आज मैं थन सूरज भगवान की कथा को सुनो ध्यान लगा के कई बेणा के रखे कथा तो मेरी केड़ी है पर आज थन मैं कूँ तो आठ छोरियाँ बंग आठा में हाथ में आखा दे दिए और वह डोरा दे दिए नाल बांध दिए और तिलक कर दिए है पानी को कन्या ब्रेड हो बाल्टी ब्रेडी हो अपने भी पानी गाल दिया। तो अब कथा शुरू करूँ थे सुनो। दो माँ बेटी वे पूजा पाठ बहुत ही करती सूरज भगवान का व्रत करती करत्यान कई साल हो गया। तो सूरज भगवान करियो भी है तो बहुत ही पूजा पाठ करे तो अन कोई लीला दिखा भी है सच्चे मनु करे के झूठे मनु करे। तो भगवान सूरज भगवान तो पाँगा गरीबी लिया है नहीं गरीबी लिया है नहीं। जब कोई माँ भी गई बेली बेटी ने बोली बेटा कह मैं कि गरीब पीसण पासण करिए कोई दिहाड़ी मजदूरी करा आप तो भूखा बैठे हैं नहीं गरीबी आ गई कह तो पाँग काम करने जाए पीसण होकर गया वह नहीं जब कहाँ करा बाटा ला दिए यार वो ज़्यादा कर दिए फिर वो ज़्यादा ऊपर हो नहीं वो आप लिया और मन तोल के दिया हुआ। तो एक दिन वह माँ बोली बेटा मैं गांव जाऊंगी तू करिए बंगरी पीसण और यहाँ करिए कहाँ करो बटर ला गए अपन कणक बधा दई कह जो बधा उसको अपने घर लिया खावा के निश तो आप। बोली माँ मैं ऐसा काम कौन करूँ भी तू तेरा कर्म करे तो कर वो कर अरे भगवान देखण आ रही भुगति तो आदमी में आवे। बोली कह तू मेरे ज़्यादा सैणी होगी कह रही यही कहाँ करा बाटा बोली तू जा कर मैं देखूंगी मेरो। तो वह माँ तो उठ गई अरे बेटी अजगी वह तो सुनो कर गई तो वह बोलिया भैया तो बहुत सुनो करे छोरी माँ तो कर खराब हो करे कि दिखे कौन बुरली ने ठा कौन कह। तो माँ आ गई बोली बेटा करिए ही गए बोली माँ माँ करिए ही कह मैं तो वह माँ गई भीषणों करियो करियो जद तो कहाँ करो बटरो लाओ जब भाई बोलिया भाई तड़के तू ना आई मार तो तेरी बेटी ने गाल देकर तू तो कर करा वह तेरा ना तन दिखे ना बाले कह करे बदान करती बन के था। तो आप लारू है कोई साधु आयो मैंने बोली बेटा तू रोटियाँ पो ली मैं पीसना कर गया यहाँ के गई बेटी ने जब वो रोटियाँ पोया दो पोया नहीं जब मारो सीख गयो और मार सीख्यो को नहीं साधु बोले भाई बिछा गाल बोली भाई रोटियो पोया हूँ दो में बर्त खोल सिया मेरी माँ को रोटी सीख्यो मेरे सीख्यो कौन मेरी माँ रोला करेगी जे मैं भी रोटियाँ दे दिया तो थे बैठो साधु संत ने कहो सूरज भगवान भी नहीं कहो सूरज भगवान है जद कह मैं थाने सेक के दूँ जब बोले भाई साधु चलता बगला नदियाँ भगती बली रुकूँ को नहीं मैं तो टाइम को नहीं मैंने तो बोले महाराज माड़ है मैं थोड़ा सा तोड़ गए अभी ने दे दियो तो माँ तो आई बैठूँ माँ क्यों बांगी तो भड़काईड़ी ही माँ के अभी तड़के ना ही रही सामाड़ी तकड़ी आगेर बोली कह मैं तन के इनका करो बटरोला दी तरह लड़ाई कौन बोली माँ तेरा कर्म तेर सा कह मेरा मेर सा कह इसो काम मैं कौन करूँ भगवान देखने ला रही ऊपर सूरज भगवान आप व्रत करा रहे काम करा। बोली कह तो बता रोटियो किंगो कच्चो किंगो कोरो किंगो खंडो और किंगो खोरो बोली मेरो कच्चो मेरो कोरो ए तेरो खंडो तेरो खोरो अब साधु आयो मैंने बिछा ना गालू तो वो खाली उठ जाए तो फिर कह मेरो व्रत को केसारो। बोली कह यही सी कह तू तो बोली होगी धर्मात्मा आ रही सो कही बेटा ने बोली इन्हें नहीं आज रात काटिया ब्याहिया कटाई सूरज भगवान करा वहाँ को लीला ने समान है बेटी खरी लागे कि कोई खरी कौन लागे पर वो करूआ वह करूआ देखा वहां परीक्षा लिया परीक्षा लिया जो आप वो बोली बेटी तो परीक्षा इन दे दी हरी कौन सूरज भगवान आ गए तो वो जावे कालो कुत्तो बन गया सूरज भगवान कालो कुत्तो बन गया जो बोली माँ कुत्तो है मैं तो कौन दे गया हूँ बहन ने तो बोली बेटा इन्हें काट दिया कठाई ना दे गया वह तो वह जी काट दी बिना जब आए कोई दरखत पर जागे पिपलो मोटो भी ऊपर जागे बैठ गई नहीं जद राजा हो कोई ब्याजण राजा ब्याजण आओ जद वह तो ऊपर आंसू पड़ो राजा के ऊपर देख भी तू यही जन्मी इतना व्रत करिया सूरज भगवान का रितो करियो तो ही कह देख तू भाई माँ काट दी वो तो बापड़ो ब्याई जन जाएगा और कोई माँ की बेटी ने ब्याई जाएगी यहाँ करके राजा का आंसू पड़ो नौकरान के ऊपर चढ़ो कोई इनके ऊपर मेहमान है कह सारा नौकर फिर है कि नहीं को लादी वो पिंपड़ बड़ो थोतो बड़े पिंपड़ थोता वह बिचारों भी यहाँ भी माँ बैठी वह तो राजा आप चढ़ो जद बैठी बोली भाई तू कौन है बोले मैं भाई धरती पटकी अब है पटकती धरती जाली को नहीं मैं कुणी हूँ तो बोले भाई अठकिया तो इतो तेरो सुंदर रूप सूरज भगवान बना दियो सूरज की किरण भी वो रूप एक राजा लगा सोनी राजा बोले मैं तेरे साथ ब्याह कराऊँगा बोले राजा ब्याह तो तू मेरे साथ करावे भाई तू राजा है मैं एक गरीब घर की बेटी तड़कन सोची चाहिए कि तने तो मेरा ना पीर है ना मेरा सासुर है सूरज भगवान कोई आसर है सूरज भगवान सुनने लग रहा सारी बातें लग तो राजा बोले मैंने की कौन चाहिए राजा सासा त्राणी हुआ है उनती पहला भी कितनी उनती बीतिया सा राजा ब्याह कर लेता बोले कर तने पूछ पूछ एक काम करूँगा वचन दिए हूँ तने तू मेरे साथ ब्याह करा ले तो वहाँ वो पिंपड़ो भी ला बार कर गेड़ा काट के ब्याह करा लियो घरे राजा तो राणी ले गयो दो एक बाह ब्याह लिया और एक बाह तो वह तो व्रत भाव करे सूरज भगवान की पूजा पाठ करे भी है सूरज भगवान बीता मेरी परीक्षा ली पर मैं हरी कौन ही मैं मेरा नेम कौन सुन जो कह भी नेम नहीं माना
दोरा है व्रत करना सोरा, तो वह आप सूर्य भगवान को व्रत करे तो वह और रानियां भी ऊपर लागण लागे, राजा भी नहीं पूछे काम करे, अब दान पुन करे बीती राजा घरे भी सुख शांति सिसुणी होगी भी आई जदों भी पग फेरे अच्छो है राजा यहाँ करे। तो एक दिन कथा सुने जद बोलियो कह राजा रानियां दूसरी कह तन्ना बस में करे जद तू कह लगे, बोली कुकर का टूणा टसमण घनाई करे जादूगारी आई है पे, बोले के करे, बोले तड़के दी तुआ रथन में बताऊँ। तो राजा ने बुलायो और वह कथा सुने जो राजा ने देख के वो रोटियो पोड़ियो पानी को लोटो जो गोडे नहीं चल खोलियो डरती वापड़ी भी राजा रोड़ा करे को जाना है ओला करती भरत। तो राजा बोले रानी तू तो टूणा टसण मंगारी मन्ने के ठाव कर तू तो इतनी सी जादूगारी है, बोली कुकर राजा बोले ओ की है तेरे गोडो चक गोडो चक्यो जो वो सोना रोटियो बन गयो और सोना लोटो बन गयो। तो बोली ओ कठूँ लेगी तो भी डरती के मुँह में निकले दूबड़े पीरूँ, बोली वो कठे, बोली वो ही तन दिखा सियो यहाँ के और बातो अब सोच में होगी सोगी सूरज भगवान की करे तपस्या कोई अन्न कोई पानी है, बोली हे महाराज कठी है तो इन्हें दिखा नहीं तो मैं तो प्राण त्यागूँ, तू मेरे को के परीक्षा लेना आ रहे मेरू मैं हारगी कौन दे जाए। जद को सूरज भगवान सपने में देखियो बोले तड़के आकड़े की डाली नूं दिए एक पुरानो बांध यही अभी नीचे जो एक रोटियो अरे एक रिपियो भी दाबी यही तू जद दी तुआर का व्रत करे नहीं वैसा आखना आवे तो और अपने आकड़े में दाबगी को नहीं आवे कि वो जद दब है सूरज भगवान कहो भी ने जब दाबी यही नहीं जब बोले एक बात है भी आठ पोर को पीर दूंगा तने 12 बजे जाएगी तो दूसरे दिन 12 बजे बैठे कि कौन लाद है तने, बोली ठीक है महाराज। तो राजा ने बोले तड़के चलांगा आपा। तो राजा बानू ती आकड़े डाली बोलो सारों की अब बैठा बस की नगरी काकार ताऊर माऊर बब्बार बुआर फूफा सह हो गया मिंगा। तो राजा करे कोड लाड बहुत ही सूरज भगवान की दया के कमी बड़े इतना 36 प्रकार का भोजन है। राजा बोलियो भाई इतनी रानी लिया सो सासरों को ठीक कौन लाद्यो है रब मत उठूँ जाऊँ को नहीं रूँगा। तो वह बोली टेम पूरो वह इन्होंने बोले चाल राजा छोरा ने रुआ वह भगवान बेटो ही बिन दे दियो लूँ मैंने। तो बोली कर चाल बोले ना मेरो जी कौन करे, बोले आप फिर आ जाऊँ अब तो चलो थे तो यहाँ के क्यों आगे छोरा रुणा रुणा आगे बोलियो छोरो कौन रहे नहीं तो आप रह जा तो मसा बीर करियो। तो राजा पग्गी जुत्ती घेर दी मैं तो जुत्ती रहेगी कह लियाऊँगा, बोले राजा थे राजा जुतियाँ की थार कमी है कि कोई और ले लियो फिर घोड़े को ताजनों घेर दियो, बोले मेरे ताजनों रहेगी मैं ताजनों लियाऊँगा वो। तो बोली कह भाई जा लिया कह मान्यो को नहीं जिद करी तो बटे जावे तो पुरंदर लटके आकड़े ही डाली लटके डालन आ रही। जद बोलियो कह तलवार ले गए काट गए, बोले तू तो सच्ची जादूगरी है अरे मैं तो तने मारूंगा। मारन लागे जो करियो सूरज भगवान ने याद रानी सूरज भगवान आगे तलवार पकड़ी पकड़ी जो बोले मूर्ख है कठू लियो तू इन्हें, बोले बठू पिंपल फुन ले बोले तन के कही हो बचन भरिया, बोले मेरा की कौन जो तू आंधो सुंदो हो गयो, बोले मैंने की कौन चाहिए आज तने सासुरु चाहिए वो तो मैं दियो है अरे मेरा व्रत करे कोई जादू करे कोई टूना करे अरे मैं आठ फोर को बचन इन दे दियो अरे तने पीर दिखा दियो। जद है जकी बा फेंक गए तलवार सूरज भगवान गया चरणा में गिर गयो ऐ सारी प्रजा ने कहो कोई भाइयों की बहन है जकी सूरज भगवान का व्रत करो और कथा कहानी सुनो सूरज भगवान प्रसन्न होगा सो कि दे देगा मन ने एक आठ फोर को इतनी नगरी बसा के सासुरों दिखा दियो तो थाने तो भाइयों की लंबी उम्र करेगा और भाई भतीजा को बस बधावे जदों बाद में आप परंपरा चली सूरज रोटेगी और भाइयों की बरतगी। जद भाई ने सांकियो बनावे भाई को कान पकड़े के संकट या संकट बरसी के जब भाई कवे बरसियों। तो आ मेरी सारी जानकारी दे दी अरे कथा सुनियो और भजन इंदिरा के चैनल इं कही कथा कहानी गीत सब आ जाएगा। जय श्री कृष्णा राधे राधे हे सूरज भगवान सारी बहनों को पीर बनाई राखियो।